नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वार विमला ऑनलाइन ई क्लास में तुम्हारु स्वागत छे। बीएसएम वन मेन इंग्लिश एसी 101 एम आपणे यूनिट वन नो पहलो प्रश्न जोता था, व्हाट इज एन एसे। एम आपणे जोयुं मित्रों कि निबंध ए शू छे, केवा प्रकार से निबंधना केटला लक्षणों से आपणे त्रण लक्षण जोया। चौथु लक्षण से वॉन्ट ऑफ फिनिश। एसे इज इनफॉर्मल एंड नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म, इट लैक्स फिनिश। इट वॉज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे विच डॉक्टर जॉनसन। निबंध जे छे ए स्वभावे आत्मलक्षी छे। आरजे रीज एवं कहे छे कि एडमंड गोसनी प्रथम व्याख्या ए संभवित रीते खूबज उपयोगी छे अने तेमा ए बाबतनो समावेश थाय छे कि जेने लागे ते निबंध विषे तेने लाक्षणिक गणे छे, ते छे तेना आत्मलक्षी लक्षणों। आत्मलक्षी लक्षणों अने ते वाचक ने विश्वास में ले छे अने तेना अंतर्गत जीवन अंगे कहे छे कि तेना गमा अणगमा तेनी रुचियों अने मिजाज तेनी महत्व तेनी आकांक्षाओं अने निराशाओं वगैरह तेना निबंध में मग्न स्वरूपे आवे छे। मठारवानी उणप। मोटा भागना निबंधों जे लेम अने हेजिलेट द्वारा लखायेला छे ते आत्मलक्षी अने आत्मकथनात्मक छे, ते अस्वरूपगत छे, तेनु व्यवस्थित स्वरूप नथी। तेनामां मठारवानी उणप होय छे। तेना आ लक्षणना कारणे डॉक्टर जॉनसन तेने अपाच्य टुकड़ो अने बंधारणमां ढीलू कह्युं छे, तेमां कोई तर्कबद्ध तथा के विचार के दलीलनो विकास जोवा मळतो नथी। तेमां रजू थता विविध मुद्दाओ के दलीलों ने योग्य रीते विकास गोठवमां आवता नथी, पण तेओ एकबीजाने आड़ेधड़ रीते अनुसरे छे। लेखक अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता माने छे, तेथी ते घणीवार आपणने परिचित होईए ते रीते शिष्टाचार विना वातो करे छे। હવે આપણે જુદા જુદા નિબંધકાર લખેલા જુદા જુદા પ્રકારના નિબંધો અંગે જોઈએ છીએ। टाइप्स ऑफ एसे। अनफॉर्चुनेटली द कस्टमरी डिविजन्स ऑफ दिस एसे इन टू अपोजिंग टाइप्स ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल
इम्पर्सनल एंड फेमिलियर आर ऑल्सो ट्रबलसम। ट्रबलसम कंसिडर दिस सस्पिशियसली नीट डिवाइडेड लाइन ड्रॉन डिवाइडिंग लाइन ड्रॉन बाय माइकल रिचमैन। सब्जेक्टिव एंड नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार विमला ऑनलाइन ई क्लास में आपनु स्वागत छे। आज आपने अगर बात करी थी ना एक टॉपिक व्हाट इज एन एसे में बात करीशु, तो सब्जेक्ट अने स्टाइल विषय अने एनो प्रकार। निबंध सामान्य रीते जुआ जाइए तो गद्यनो भाग छे, केटलाक निबंधों श्लोकमां पण लखाया छे। निबंध कोईपण विषयनुं तार्किक रीते वर्णन करे छे, कोईपण विषय पर लखी शकाय ते साइंटिफिक रीते, वैज्ञानिक रीते के तार्किक रीते के दार्शनिक रीते, ऐतिहासिक रीते के सामाजिक रीते विवेचनात्मक होई शके छे। ते तर्कसंगत दलीलों करता एनु जोर जोवा मळे छे। निबंधकार तेना विषय साथे निष्णातनी जेम नहीं परंतु मित्र साथे वात करता होय एम मित्रनी जेम व्यवहार करे छे। टाइप्स ऑफ एसे, अनफॉर्चुनेटली द कस्टमरी डिविजन्स ऑफ द एसे इनटू ऑपोजिंग टाइप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इम्पर्सनल and familiar are also troublesome, consider this suspiciously neat divided line drawn by Michael Richman. Postmortem, the essay spilt into the district modalities, one remained informal, personal, intimate, relaxed, conversational and often humorous, the other dogmatic, impersonal, systematic and expository. एक रीते जोवा जोईए तो निबंध ना प्रकारों में कमनसीबे निबंध में गत विभागों विरोधी प्रकारना नैतिक अने परिचित ते पण मुश्केली कारक शंकास्पद रीते सुघड विभाजित रेखा दोरेला औपचारिक अने अनौपचारिक विचारणा करो। मिशेल रिचमैन द्वारा पोस्ट मोंटाग्रे आना द्वारा निबंध बे अलग अलग प्रकारों में विभाजित करवामां आव्या छे। एक अनौपचारिक व्यक्तिगत घनिष्ठ रमूजी व्यवस्थित अने अभिव्यक्त
રિલેક્સ્ડ હૈ, અન્ય કટ્ટરવાદી નૈતિક, વિશ્વાસપાત્ર અને ઘણીવાર નિબંધો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે, જેમ કે વ્યક્તિગત અથવા વ્યક્તિલક્ષી નિબંધ અને અંગત અથવા ઉદ્દેશ નિબંધ. અંગત અથવા વ્યક્તિલક્ષી નિબંધ ચાર્લ્સ લેમ, વિલિયમ હેઝલેટ, સ્ટીવનસન, ચેસ્ટરન જેવા પ્રખ્યાત નિબંધકારો, ગાર્ડિડ, લેન્ડ, ઇવા લુકેકેસ વગેરે તેમના નિબંધોમાં તેમનો પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ અને સ્વભાવને પ્રતિબિંબિત કર્યો છે. તેઓએ તેમના નિબંધમાં વ્યક્તિગત સંપર્ક રજૂ કર્યા છે. વાચકો લેખકનું ચિત્ર રચવા માટે સક્ષમ હતા. સાચા નિબંધ ડબલ્યુએચ હડસનના જણાવ્યા મુજબ તે વ્યક્તિગત રૂપે અને વ્યક્તિગત છે. તે સ્વ અભિવ્યક્તિના સાહિત્યનું છે. વ્યક્તિલક્ષી નિબંધના અન્ય લેખકો લે, હન્ટ, હેઝલેટ, ઠાકરે અને ડી ક્વિન્સી પાસે નોંધપાત્ર ઉદાહરણો ઉપહારો હતા, પરંતુ તેમાંથી કોઈ પણ લેમની બરાબર નહોતું. વાચકોના સ્નેહને આકર્ષિત કરવાની તેમની શક્તિ. ચાર્લ્સ લેમ એ પ્રિન્સ ઓફ પર્સનલ તરીકે ઓળખાય છે. વર્તમાન મુદ્દાઓ અને મુદ્દાઓ એ ઔપચારિક અથવા ઉદ્દેશક નિબંધોમાં જોવા મળે છે. એમાં એફ્રોસ્ટિક સ્ટાઇલનો પણ એમાં ઉપયોગ જોવા મળે છે. તો આ જે છે એ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જે વ્યક્તિને કંઈક અલગ રીતે રજૂ કરે છે. તો આટલા સુધી જોઈએ મિત્રો. હવે પછીના લેક્ચરમાં આગળ આપણે એમાં ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.